हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक सुंदर सा टॉप बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है और ये लेसेस ली है। इससे हम एक सुंदर सा योग पार्ट बनाकर एक सुंदर टॉप रेडी करेंगे। इसके लिए हमने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है और ये रियॉन फैब्रिक है। इससे हम एक सुंदर सा टॉप रेडी करेंगे। इसके लिए साइड से 2 फोल्ड बिछा लेंगे, जितना कि हमारा चेस्ट का नाप है उसके हिसाब से उसको हम चौड़े में बिछा लेंगे। इसकी लंबाई हम 25 इंच लेंगे, जिसमें हमने 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर दिया है। तो टोटल हमारी ये लेंथ हो गई है 26.5 इंच। तो हम 26.5 इंच पर निशान लगा देंगे। दोनों साइड से निशान लगाकर हम स्केल से इसको दोनों को मिला लेंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ से हम गले का निशान 3 इंच पे लगाएंगे और शोल्डर के लिए 7.5 पर टोटल मार्क कर देंगे, क्योंकि 15 इंच का हमारा शोल्डर था तो उसका हाफ 7.5 होता है। आर्म होल के लिए हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आप का नाप बड़ा हो तो आप 8 इंच भी ले सकते हैं। दोनों साइड से हम इसका निशान लगा देंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे आर्म होल की। यहाँ से शोल्डर से यहाँ के आपको 14 इंच पर कमर का निशान लगाना है। यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट की हमारी 32 इंच है, तो उससे सोता भाग 8 इंच होता है और 2 इंच इसमें हमने सिलाई का मार्जिन ऐड कर दिया है। कमर हमारी 28 की है तो हम 7 इंच पर मार्क कर देंगे, जिसका 4th भाग 7 इंच आता है, 1/2 इंच लूजिंग, और इसमें हम 1.5 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड कर देंगे और इसको हम ऊपर वाले निशान से मिला देंगे। एक हमारा फिटिंग का निशान हो जाएगा और एक हमारा सिले का मार्जिन का निशान है। अब हम कमर के यहाँ से आप चाहे तो 10 इंच पर या 9 इंच पर या 12 इंच पर निशान लगा सकते हैं। जितके आपकी टॉप की लेंथ हो, कमर के यहाँ से आप निशान लगा सकते हैं और नीचे से इसको गोले में मिला लेना है आपको। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे अच्छे से। देख सकते हैं, नीचे से हमने अच्छे से गोले में कटिंग कर दी है इसकी, और कमर के यहाँ से हमने दोनों साइड से नोचेस लगा लिए हैं। और हम 1/2 इंच शोल्डर डाउट कर लेंगे ऊपर से। अब हम हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए कपड़ा बिछाएंगे। जो जितना भी बचा हुआ कपड़ा था उसको हम 2 लेयर में बिछा लेंगे। इन कपड़े को बिछा लिया 2 लेयर में। वो हमारा ये बैक पार्ट रखेंगे कपड़े के ऊपर और आगे की साइड हम 7 इंच कपड़ा छोड़ देंगे। 7 इंच ऊपर की साइड से और 7 इंच आपको नीचे की साइड से छोड़ना है। इस तरह आपको निशान लगा लेना है 7-7 इंच पे। आप चाहे तो 8 या 9 इंच पर भी ले सकते हैं कपड़ा, जिससे आपकी गैदरिंग ज़्यादा आएगी। ये हमने 7 इंच पे लिया है। इसको हम चौक की सहायता से निशान लगा लेंगे। ये देख सकते हैं, हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रख दिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे हम। जो हमने 7 इंच लिया है उसको छोड़ते हुए कटिंग करनी है आपको। ये देख सकते हैं, मैं कंप्लीट कटिंग कर दी है। जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको हम अंदर की साइड दबाते हुए ऐसे रख लेंगे। ये देख सकते हैं, इस साइड से रखना है आपको। अब हम योक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। इसके लिए आपको शोल्डर का हाफ करना है, जो कि आपका 3.75 आएगा। तो आपको 3.75 पर निशान लगा लेना है। इसकी लंबाई हम 10 इंच रखेंगे। नीचे से भी हम 3.75 पर निशान लगा लेंगे। ये देख सकते हैं, या आप चाहे तो 3.5 पर निशान लगा सकते हैं। बस इन दोनों को हम मिला लेंगे और ये हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा। ये हमारा योक पार्ट का बॉक्स है। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे, जिससे कि हमारे जो अंदर वाला पार्ट है उसकी भी कटिंग हो जाएगी। ये
देख सकते हैं हमने ये पूरा योग पार्ट कटिंग कर दी है और ये अंदर से कपड़े को निकाल भी लिया है हमने। अब हम इसे फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी कर देंगे जो कि हमको अंदर रखनी है। इसकी गोली आपको 1 इंच देते हुए कटिंग कर लेनी है। हम योग पार्ट का भी निशान कट कर देंगे। यहाँ पे आपको इस तरह से चुनट डालनी है। आप चाहे तो एक रफ स्टिच करके भी इसको लगा सकते हैं या फिर आप मशीन से भी इसमें गैदरिंग कर सकते हैं। तो हम मशीन के ऊपर रखकर इसको गेदर डालेंगे एक साइड में। इस तरह आपको प्लेट्स लगानी है छोटी छोटी। जो कि आपके 7 इंच पर आ जाए पूरी। इस तरह आपको साइड यूनिट लगानी है। ये चाहे तो आप कच्चा टाका लगाकर भी इन चूड़ों को लगा सकती हैं। ये देख सकते हैं हमारी एक साइड की 3.5 आ चुकी है। इसी तरह हमने दोनों साइड 7 इंच पर ये लगा दी है पूरा। ये नाप लेंगे हम एक साइड और देखिए ये हमारी 7.5 आ गई है देख सकते हैं आप। अब इसके हम आस पास पास सिले का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा देंगे और इसके ऊपर मशीन लगा लेंगे जिससे कि इसको फोल्ड करने में आसानी रहेगी। इस तरह आपको इस पूरे योग पार्ट में इससे सिले लगाने नहीं है। अब आपको दोनों कॉर्नर्स पर नोच कट लगा देना है जिससे कि फोल्ड करने में आसानी रहेगी। जो हमने सिले लगाई है उसी की वहाँ से फोल्ड करते हुए आपको एक रफ कच्ची सिले लगानी है जिसको हम बाद में निकाल देंगे या आप 1 नंबर बड़ी सिले लगा सकते हैं। अच्छे से फोल्ड कर लेना है आपको कॉर्नर्स पर ताकि आपको योग पार्ट लगाने में आसानी रहेगी। ये देख सकते हैं हमने एक अच्छी सिलाई लगा दी है और ये हमारा योग पार्ट रेडी हो चुका है। इस तरह आपको भी योग पार्ट रेडी कर लेना है। अब हम जो बीच में कपड़ा लगाएंगे योग पार्ट के लिए अब हम योग तैयार करेंगे। ये देख सकते हैं इसकी लंबाई हमने 12 इंच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 5.5 इंच ली है। अब इसको हम लेसेस से तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम बीच में एक क्रीज लाइन बना देंगे जिससे कि हमारा इसको सेंटर मार्क पता चल जाए हमको। इस पे हम पहले ये वाइट कलर की लेस लगाएंगे बीच में। आप चाहे तो अलग अलग डिज़ाइन से भी इस योग पार्ट को बना सकती है पर इसको हम लेस से रेडी कर रहे हैं तो इसमें हम बीच में लेस लगाएंगे। ये देख सकते हैं हमने एक साइड लेस लगा दी है। इसी तरह दूसरी साइड भी हम लेस लगा देंगे जो हमारे बीच की लाइन रेडी हो जाएगी। ये देख सकते हैं हमने अच्छे से लेस लगा दी है। इसी तरह हम ये चौड़ी लेस भी लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड भी ये चौड़ी लेस को अटैच कर दिया हमने। ये देख सकते हैं इस लेस से हमने ये हमारा योग पार्ट रेडी कर लिया है। अब हम लाइनिंग का कपड़ा लेते हुए 3 इंच का गला बनाएंगे और इसकी लेंथ हम 3.5 रखेंगे नीचे से भी 3 इंच और एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच रखी है और लंबाई 3.5 इंच है और एक राउंड शेप देते हुए निशान लगा लेंगे। इस तरह आपको निशान लगा लेना है गले का। यहाँ से आप 2 इंच या 2.5 इंच पर निशान लगा सकते हैं लिप्स की पत्ती का निशान लगाने के लिए। आपको इधर हमने 2.5 इंच पर निशान लगा लिया है और इसका एक पत्ती का शेप दे दिया है यहाँ पे हमने आगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे गले की। ये हमने योग पार्ट के नाप का ही कपड़ा लिया है लाइनिंग का कपड़ा। ये देख सकते हैं हमारा गला रेडी है। अब इसको हमने योग पार्ट पर सेट कर दिया पिन की मदद से। अब इसके ऊपर हम सिले लगा देंगे अच्छे से। कॉर्नर्स को निकालते हुए सिले लगानी है आपको अच्छे से। ये हमने कंप्लीट सिले लगा दी है देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको कच्चा भी कर सकते हैं या पिन लगा कर सेट कर सकते हैं। अब इसके हम बीच से कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया सारा और बीच में भी हम कट लगा देंगे। ये देख सकते हैं
इस तरह आपको नोचेस लगाने हैं दोनों साइड्स, और एक बीच में कट में भी नोचेस लगाना है। अब उसको नुकली चीज़ से, किसी भी नुकली चीज़ से इसको सीधा कर लेना है, दोनों कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेना है। ये देख सकते हैं हमने गले को अच्छे से निकाल दिया है और हमारे दोनों कॉर्नर्स अच्छे से निकल गए हैं। अब इसके ऊपर हम फ्रेश तिल लगाएंगे। ये देख सकते हैं हमारे अच्छे से निकलने के बाद हमारा गला इस तरह सेट हो गया है। इसके ऊपर हम अब फ्रेश तिल लगाएंगे एक, बिल्कुल आपको किनो किनो पे लगानी है ये, जिससे कि गले की फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। ये देख सकते हैं हमने अच्छे से फिनिशिंग के साथ सिले लगा दिए। ये देख सकते हैं हमारा योग पार्ट रेडी हो चुका है। अब इस योग पार्ट को हम, जो हमने पहले गला रेडी किया था, ये देख सकते हैं हमने इसके अंदर अटैच कर दिया पिनों से, जो हमने पहले गला रेडी किया था योग पार्ट के लिए। अब इसके कॉर्नर कॉर्नर पर आपको सिले लगानी है। आप पिन से सेट कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, या आप हाथ से कच्चा भी कर सकते हैं इसको। इस तरह आपको फिनिशिंग के साथ किनोर किनोर पर सिले लगानी है बिल्कुल। ये देख सकते हैं हमने बड़ी फिनिशिंग के साथ किनोर किनोर पर सिले लगा दी बिल्कुल। और ये हमारा योग पार्ट वाला गला रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और ये एक्स्ट्रा बचा ऊपर से हम काट लेंगे योग पार्ट का और उसको बराबर कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम जो अच्छी सिली लगाई थी उसको निकाल देंगे। अब हम बैक साइड के गले रेडी करेंगे। उसके लिए हम 3 इंच पर मार्क करेंगे गले का, और इसकी लंबाई हम 1.5 इंच रखेंगे और एक गोल शेप रेडी कर लेंगे। उसकी कटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं मैं कलर रेडी कर लिया है। अब इसके लिए हम उरेप की पट्टी को एक साइड से मोड़ते हुए इसके ऊपर अटैच कर देंगे। ये देख सकते हैं पट्टी को एक साइड से मोड़ते हुए हमने इसको अटैच कर देंगे। इसमें छोटे नोचेस लगाते हुए इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देना है आपको, उसी लगा देनी है अच्छे फिनिशिंग के साथ। देख सकते हैं हमारा गला रेडी हो चुका है। अब आपको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के दोनों के शोल्डर को अटैच कर देना है। लॉक कर देनी दोनों सिलाई। देख सकते हैं हम दोनों शोल्डर को अटैच कर दिया है। अब इसके स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के लिए हमने ये स्लीव्स पहले रेडी कर लिए, इसका वीडियो आपको पहले मिल जाएगा, हम अच्छे पे जाके देख सकते हैं। अब ये स्लीव्स को हम लगा देंगे, जो हमने कट लगाया था 20 से, यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और अच्छे से स्लीव्स को अटैच कर देंगे हम। स्लीव्स को 20 से इसलिए स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा दोनों साइड स्लीव्स बराबर आ जाएं। ये देख सकते हैं इस तरह आपको दोनों साइड्स बराबर लेते हुए स्लीव्स को अटैच कर देना अच्छे से। ये हमारे स्लीव्स लग चुकी है दोनों। ये देख सकते हैं हमने बड़ी फिनिशिंग के साथ दोनों स्लीव्स अटैच कर दी है। अब इसमें हमने फिटिंग का निशान भी लगा दिया है दोनों साइड्स। इसकी हम मशीन लगा देंगे ऊपर। इस तरह फिटिंग आपको दोनों साइड लगा देनी है। ये देख सकते हैं इस तरह हमने दोनों साइड फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। अब नीचे की साइड हम ये कपड़े को मोड़ते हुए फोल्ड कर लेंगे। गोले में मोड़ते हुए अच्छे से आपको उसको मोड़ देना है और सिले लगा देनी है किनोर किनोर पर।
देख सकते हैं हमने कंप्लीट सिले लगा दिए। इस तरह आप ये बैक पार्ट पर भी सिले लगा देनी है आपको, और आपको सुंदर टॉप रेडी हो जाएगा। इस तरह ये देख सकते हैं हमारा सुंदर रेडी हो चुका है। हमने ऊपर की साइड इसमें डोरी अटैच कर दी है वाइट कलर की, और ये हमारा टॉप रेडी हो चुका है। इसका फाइनल लुक देख सकते हैं आप, देख सकते हैं हमने स्लीव्स पे डिजाइन डाली है, आगे की साइड हमने डोरी लगा दी है। इस तरह आप ये योग पार्ट वाला टॉप घर कर आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको इस टॉप की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।